पीसेस। तो आप पीसेस क्या होता है? पीसेस एक तरीके का क्या होता है, सुपर क्लास है। सुपर क्लास है किस चीज की है? ग्नेथोस्टोमेटा। ग्नेथो स्टोमेटा। अब ग्नेथोस्टोमेटा क्या होता है? ये होता है ऑर्गेनिजम्स जिनके क्या होता है, जॉस, जिनमें जॉस प्रेजेंट होते हैं ना, जबड़ा प्रेजेंट होता है उसमें, उसे हम कहते हैं ग्नेथोस्टोमेटा। जॉस प्रेजेंट, ठीक है, जॉस प्रेजेंट होता है, तो ये एक तरह की क्लास होती है। अब ये जो पीसीज है ना, यही इसके अंदर आता है, ग्नेथोस्टोमेटा में पीसीज आते हैं, और एम्फीबियंस आते हैं, ह्यूमन्स आते, मैमल्स आते हैं, और आपका रेप्टाइल्स आते हैं, तो उन सब के क्या होते हैं, जॉस प्रेजेंट होता है उन पे, जैसे हमारे में भी प्रेजेंट होता है, मैमल्स है, तो ग्नेथोस्टोमेटा को ही देखना है इसमें। मैं इस वीडियो में यही बताऊंगा ग्नेथोस्टोमेटा के की अंदर क्या है, इसमें ग्नेथोस्टो पीसीस के अंदर क्या है। तो पीसीस में ना दो कैटेगरी आ जाती है, एक तो आ जाती है कॉन्ड्रोचिटाइट्स, चिटेस, और ओस्टियो चिटेस। अब देखो ओस्टियो से, सीधा नाम पता चल जाता है कि यहाँ पे ना बोन की बात करी जा रही है। तो ये क्या होता है, ये पिसीज में ज़्यादातर ना फिशेज से आती है, फिशेज को मान के चले गए हम, तो ओस्टियो चिटेस में क्या होगा, बोन वाली, बोन फिश, ठीक है, बोन वाली फिश होती है। लेकिन कॉन्ड्रोचिथेस जो क्या होता है, ये बोन से नहीं बनी होती, बोन से इनका स्ट्रक्चर नहीं होता, लेकिन किससे होता है, कार्टिलेज से होता है, कार्टिलेज नहीं, सॉरी, कह सकते हैं कार्टिलेज ही कह सकते हैं, कार्टिलेज से बना हुआ है उनका, मतलब कैसा, लुब्रिकेट, मतलब मूवेबल होता होगा, तो कार्टिलेज हो गया, बोन फिश हो गया। तो इस वीडियो में कॉन्ड्रोचिथेस के, अब मैं कॉन्ड्रोचिथेस के बारे में बताता हूँ। तो कॉन्ड्रोचिथेस में भी ना अब दो और कैटेगरी में कट जाता है, जैसे एक हो जाता है इलास्मोब्रांची और दूसरा हो जाता है होलो होलो सेफाली। तो इलास्मो ब्रांची में क्या होता है, इलास्मो ब्रांची में जैसे एग्जांपल हो गया आपका शार्क हो गया, और एक हो गया जैसे रे हो गया, स्टिंग रे जो भी आती है उसमें 50%, इसमें 50% रे ही मिलेगी तुम्हें इलास्मो ब्रांची में। तो मेन ये कुछ एग्जांपल है इसके, शार्क और रे। तो इनमें क्या होता है, इलास्मो ब्रांची में इनमें प्लेकोइड स्केल्स प्रेजेंट होते हैं, और प्लासेंटा इनमें प्रेजेंट नहीं होता, लेकिन क्या होते हैं, विविपोर्स भी होते हैं। और बात करें तो इलास्मोब्रांची की, जैसे आपका इनमें क्रेनियल नर्व्स कितनी होती है, 10 होती है, क्रेनियल नर्व्स 10 होती है, और स्पाइनल नर्व्स 1 होती है, ठीक है। और बात करें तो ये विविपोरस भी हो सकती है और ओविपोरस भी हो सकती है, और इनके पेक्टोरल फिन्स होते हैं, और पेल्विक फिन्स होते हैं, ठीक है। तो मैं इसीलिए यही है कुछ पॉइंट्स इसके इलास्मो ब्रांची के। और होलोसिफाली की बात करें तो होलोसिफाली में कि इनका यूरिनी यू, इनका जो सेपरेट यूरिनरी होता है, सेपरेट यूरिनरी होता है, और एक हो गया जैसे आपका स्पर्मेटरी डक्ट होता है, जो कि इलास्मो ब्रांची में भी प्रेजेंट होता है, दोनों में प्रेजेंट होता है ये स्पर्मेटरी डक्ट, और इनका सेपरेट यूरिनरी ये भी इलास्मो ब्रांची में दोनों में मिलेगा। और एग्जांपल तो पता ही नहीं, एग्जांपल होता है इसका जैसे